मैं हूं अभिषेक बारेट और आप इस वक्त मेरे साथ द विंडो पर हैं। भारत में कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आज हम ब्राजील को पछाड़कर दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। 4 सितंबर को तो हम दुनिया में एक दिन में आए सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मामलों में नंबर वन हो गए थे। एक दिन में 86,432 केस और किसी देश में अभी तक नहीं आए। इस मामले में तो हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। खैर, बढ़ते मामलों के बीच अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों के एक तबके ने कोरोना के लिए किए जाने वाले RT-PCR टेस्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। RT-PCR ही दुनिया का सबसे विश्वसनीय टेस्ट है जिसमें कोरोना को बारीकी से पकड़ लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें कि आखिर RT-PCR टेस्ट क्या है और ये कैसे किया जाता है, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि इस पर सवाल क्यों उठ खड़े हुए हैं। RT-PCR टेस्ट का पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन टेस्ट। RT-PCR टेस्ट दरअसल हमारे नाक और गले से लिए गए तरल या आजकल जिसे आप स्वैब सैंपल कहते हैं उसके लिए जाने के बाद होता है। कोरोना संभावित व्यक्ति का सैंपल लेकर उसका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले सैंपल में RNA की मौजूदगी की जांच की जाती है ताकि पता चल सके कि शरीर में वायरस है या नहीं। लेकिन RNA ही क्यों? क्योंकि वायरस का संरचना चक्र दोनों ही फॉर्म्स में पाया जाता है। सीधे सरल शब्दों में ये कि कुछ वायरस RNA होते हैं तो कुछ DNA होते हैं। अब कोरोना जो है वो है RNA, और RNA का पता लगाने के लिए RT-PCR DNA को RNA में बदलता है, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसा कि टेस्ट के नाम से भी पता चलता है, सैंपल RT-PCR मशीन में चला जाता है, वहाँ एक प्रक्रिया शुरू होती है, उसका नाम है थर्मल साइक्लिंग। वायरस का DNA जो RNA से DNA में बदल दिया गया है, उसके घातांक को बढ़ाया जाता है, जिसे मेडिकल भाषा में एक्सपोनेंशियल कहा जाता है। हालांकि गणित में भी घातांक को इंग्लिश ट्रांसलेशन में यही कहा जाता है, लेकिन मेडिकल में ये खूब प्रचलित नाम है। आगे बढ़ते हैं। हर थर्मल साइक्लिंग में DNA क्वांटम मतलब अंश दोगुना हो जाते हैं, यानी कि DNA के हिस्से को एक्सपोनेंशियली 40 गुना बढ़ा दिया जाता है, जबकि वो शरीर में इस मात्रा में नहीं होता। इसे जानबूझकर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बढ़ाया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि DNA की कम मात्रा में भी विषाणु का पता लग सके। मतलब टेस्ट तो एकदम सटीक जानकारी देगा और कोरोना वायरस या कोई भी दूसरा वायरस इस टेस्ट से बच नहीं पाएगा, पर इसमें एक झोल है और इसी वजह से इस टेस्ट पर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। वो क्या हैं? बताते हैं। हमने बात की थी थर्मल साइकिल्स की, जिसमें कोरोना की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। इसमें कई चक्र होते हैं, जैसे नाम से स्पष्ट है, साइकिल्स यानी चक्र। RT-PCR में कोरोना के 40 साइकिल्स होते हैं। इन साइकिल्स में वायरस की मौजूदगी जो होती है उसे कहा जाता है थ्रेशहोल्ड या CT, और सरल करके कहें तो वायरस का लोड इसे कहा जाता है, जिसे वायरस लोड या वायरल लोड कहा जा सकता है। अब जितने साइकिल्स में या चक्रों में वायरस के RNA का पता चलेगा, उस सैंपल में थ्रेशहोल्ड या वायरल लोड उतना ही कम माना जाएगा। लेकिन कम साइकिल्स में अगर वायरस का RNA मिलेगा, उतना ही वायरल लोड ज़्यादा होगा। अब आती है असल बात, जो ज़्यादा वैज्ञानिक शब्दों के इस्तेमाल के बिना हम आपको कहेंगे और आपको ये बात ज़्यादा समझ आएगी। रूस और आयरलैंड और भी कई देशों के जो वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि RT-PCR में कम से कम 40 थर्मल साइकिल्स होते हैं, जो वायरस की मौजूदगी के प्रति टेस्ट की संवेदनशीलता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी किसी व्यक्ति में मरा हुआ वायरस भी अगर है और संक्रमण फैलने की गुंजाइश ना के बराबर भी है, तो भी RT-PCR टेस्ट में व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि टेस्ट तो मरे हुए वायरस को भी शरीर में पकड़ लेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के जाने माने वैज्ञानिक और वायरोलॉजिस्ट जूलियट मॉरिसन का कहना है कि 40 साइकिल की जाँच यानी RT-PCR बेहद ज़्यादा संवेदनशील है। 35 ही बेहद ज़्यादा चक्र होते हैं जाँच के लिए। उनका मानना है कि कोरोना की गंभीरता 10% कम है, पर टेस्ट की सेंसिटिविटी इसका एक कारण है। आयरलैंड के वैज्ञानिक पीटर एंड्रूस का कहना है कि RT-PCR टेस्ट के साथ मरीज का वायरल लोड भी बताया जाना चाहिए, जिससे ये तय हो सके कि कोरोना की गंभीरता क्या है।
अमेरिका के कई राज्यों जैसे नेवाडा, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क के कई मरीजों का वायरल लोड, उनकी जो जानकारी इससे पहले आनी चाहिए थी, यानी वायरल लोड की जानकारी आनी चाहिए थी, वो आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद नहीं दी गई। उनका मानना ये है कि पॉजिटिव आए 90% लोग असल में नेगेटिव रहे होंगे, क्योंकि उनके शरीर में वायरस की मात्रा इतनी कम रही होगी कि वो दूसरों के लिए कोई खतरा साबित नहीं हो सकते, न ही उन्हें क्वारंटीन करने की कोई ज़रूरत होती है। भारत में जो मरीज़ मिल रहे हैं वो ज़्यादातर बिना लक्षणों वाले मरीज हैं, लेकिन भारी मात्रा में रोज़ मिल रहे मरीज आरटीपीसीआर की वायरस पर बेहद मजबूत पकड़ और सेंसिटिविटी की वजह से आ रहे हैं, शायद ये एक वजह है। अब ये बहस पूरी दुनिया में छिड़ गई है कि पूरी दुनिया में हुए लॉकडाउन में कोरोना को सनसनीखेज रूप से पेश करने की वजह से इससे भयंकर आर्थिक नुकसान हुए, लोग लाचारी और बेबसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी ये स्टोरी जो है ये आपको तथ्यात्मक जानकारी देने के उद्देश्य से हमने आपके लिए तैयार की है, लेकिन आप कोरोना के प्रति पूरी तरह सजग रहें, जागरूक रहें और कोई भ्रम ना फैलने दें, क्योंकि ये स्टोरी कोरोना की कम गंभीरता के बारे में नहीं है बल्कि टेस्ट की अति संवेदनशीलता के बारे में है। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा भी हम आपके लिए रोजाना नई खबरें, किस्से, कहानियाँ लेकर आपसे मिलते रहते हैं। आपको हमारा एक काम करना होगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि कोई खबर आपसे छूट ना जाए और तय समय पर आपको मिल सके। अगली खबर तक शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।